भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाने के कालाभाटा गांव में कोटपुतली की पुलिस द्वारा घुमंतू समाज की महिलाओं से मारपीट और अभद्रता के मामले में समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने दलित घुमंतू अधिकार मंच के बैनर तले गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मंच के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि महिला को न्याय नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पीड़ित महिला मंजू बंजारा ने कहा कि कुछ पुलिसकर्मी हमारे पास आए और मेरे पुत्र बच्चा राम के बारे में पूछा। इस पर मैंने उन्हें वहां पर होने से मना कर दिया तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट करते हुए कपड़े फाड़ दिए। इसके साथ ही उन्होंने मेरी सास के साथ भी मारपीट की। वहीं मंच के प्रदेशाध्यक्ष पूनम नाथ सपेरा ने कहा कि कोटपुतली थाने के ASI बुधाराम और सिपाही अरसीलाल के साथ कुछ लोगों ने इन महिलाओं से मारपीट की। इसके विरोध में हम ज्ञापन देकर उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। यदि कार्यवाही नहीं होती है तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। लोग जो कल रात को हमारी घुमंतू समाज की बंजारा समाज की महिला के साथ पुलिस वालों ने और उनके साथ आए कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारी महिलाओं के साथ मारपीट की, उनके कपड़े फाड़ दिए, लज्जा भंग की, उसको लेकर हमने रात को भी एडिशनल DYSP गंगापुर को हमने रिपोर्ट दी। उन्होंने हमारी रिपोर्ट नहीं ली, फिर हम रात को थाने में गए, थाने में भी हमारी रिपोर्ट दी, अभी तक उनको कोई दर्ज नहीं हुई है। और उल्टा हमारे लोगों के खिलाफ राजकीय कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करके और इनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। तो हम इसको लेकर मांग कर रहे हैं कि इनकी सही जांच करा जाए, अन्यथा हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरा नाम पूनम नाथ सपेरा है।